हिंसा की आग में चलते मणिपुर के दिल दहला देने वाले वीडियो को लेकर अब राज्य सरकार एक्शन में आई है। दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने की यह घटना 4 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है और इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में एक मुख्य आरोपी भी शामिल है। कल पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर दुख और गुस्से का इजहार किया था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त तेवर दिखाए। सीजेआई ने चिंता जताई और केंद्र से कहा कि हम वीडियो देखकर बहुत आहत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर से पूछा है कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से मणिपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। चूड़ाचांदपुर में कल हजारों लोगों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। देखिए, मणिपुर की जो स्थिति है, स्वाभाविकता तो बिल्कुल वापस नहीं आए हैं और ये वायरल वीडियो जो सामने आया है, इसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं क्योंकि ये घटना जो इस वायरल वीडियो के जरिए से सामने आया है, ये जब हिंसा शुरू हुआ मणिपुर में मई महीने में, तब का है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, पुलिस इतने दिन तक क्या कर रहे थे। हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात किए हैं, उनका कहना है कि देखिए, बहुत सारे FIRs, बहुत सारे क्राइम्स को लेकर रजिस्टर हुआ है और कुछ ऐसे क्राइम्स शायद हो सकते हैं जिसमें वीडियोस भी है और इससे भी बुरा वीडियोस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन जो बात है कि उनका कहना है कि जब ये वीडियो सामने आया तब हमने तुरंत कार्रवाई की और हमने जो आरोपी को वीडियो के द्वारा आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया है। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार भी हुआ है। ये जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के महिलाएं, जो जिनको वीडियो में देखा गया है, जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं और उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको रास्ते पे परेड किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, बहुत ही हीनस क्राइम है। मुख्यमंत्री ने कहा है ये इंसानियत के खिलाफ एक हिंसक जुर्म है और इससे वो चाहते हैं कि जो इसके पीछे है, जो इस हादसे को, इस जुर्म को अंजाम दिए है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उनके खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट की मांग सरकार कोर्ट में रखेंगे जब ये कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इस घटना के बाद जो दूरी है मणिपुर के जो एथनिक कम्युनिटीज़ है, उसमें और दूरी बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ जो है, एक ऐसे आपको लगेगा कि कैसे इंसानियत को भूल के ऐसे घटना को अंजाम देते हैं लोग, और इस तरीके से जुर्म होते हैं, ऐसे हिंसक, और बिल्कुल जैसे मुख्यमंत्री ने यहाँ के कहा है कि इंसानियत के खिलाफ ये जुर्म है। और यही सवाल सबके मन में है मणिपुर में।